केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनता दरबार से खास बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों में जिस तरह लोगों की भीड़ जुट रही है उससे स्पष्ट है कि एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं क्षत्रिय समाज की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय समाज ने सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए अतुलनीय योगदान दिया। अगर कोई गलती से या जानबूझकर समाज को लेकर कोई बयान देता है तो समाज का नाराज होना जायज है, लेकिन क्षत्रिय समाज जिम्मेदार समाज है और क्षमा मांगने वालों को माफ करने का उसका इतिहास रहा है। और क्या कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और लोकसभा जोधपुर के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, लोकसभा के रण में तीसरी बार आप उतर रहे हैं, किस प्रकार से तैयारियां चल रही, क्योंकि कल रात को हमने आपका भाषण सुना था, आपने कहा था कि तीसरी बार इस यज्ञ में एक बहुत महत्वपूर्ण आहुति देनी है क्योंकि ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पिछले 70 साल में आज़ादी से लेकर के जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक सरकारों की प्राथमिकताएँ गरीब कल्याण होने के बजाय गरीब के नाम पर राजनीति करके सत्ता की कुर्सियां हथियाना होने के चलते हुए एक बहुत बड़ी खाई गरीब और विकास के बीच में बन गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 10 साल में उस सब को पाट करके देश को उस धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया है जहाँ से देश अब विकसित होने के तरफ विश्वास के साथ में आगे बढ़ रहा है और वर्तमान का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की आधारशिला रखने का चुनाव है, इसलिए ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई साहब, एक विधानसभा चुनावों में हमने एक दृश्य देखा था, एक युवा को आप खुद मंच पर लेकर आए थे, उसे पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि वो युवा अब एक विरोधी स्वर अपना चुके हैं? और साथ साथ इसमें एक सवाल हो रहा है भाई साहब, गुजरात से जो एक विरोध जो उठा है राजपूत समाज का, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी उसकी आँच दिखाई दे रही है। देखिए, जिस युवा की आप बात कर रहे हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव में ही पार्टी को छोड़ करके अपना निर्णय लेते हुए चुनाव लड़ा, विजयी हुए। व्यक्तिगत रूप से वो मेरे छोटे भाई थे और हैं और रहेंगे भी। विश्वविद्यालय छात्र संघ के जिस पीढ़ी परंपरा से मैं आता हूँ उसी से वो आते हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही अल्मा मातर से हम लोग सब पढ़े हैं, एक ही हमारी कर्मभूमि रही है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका अपना निर्णय, अपने विवेक से उन्होंने निर्णय किया है, अपना नफा और नुकसान सोच करके किया होगा जी। जो निर्णय किया है उस निर्णय पर वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक गुजरात का विषय है, देखिए, क्षत्रिय समाज ने इस देश में अपने पीढ़ियों को कुर्बान करके बहुत बड़ा योगदान किया है जी। सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमने अनेक बेटों को खोया, अनेक बहनों ने अपने भाइयों को खोया, पत्नियों ने अपने सुहाग को खोया जी। और इस पूरे सनातन के संरक्षण के युद्ध में हमारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके योगदान किया जी। हम हाड़ी रानी के शीशदान को नहीं भूल सकते, रानी पद्मा के जौहर को नहीं भूल सकते, और इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ जहाँ महिलाओं ने या तो अपने बेटों को, अपने पति को हंसते हंसते युद्ध के मैदान में तिलक लगा करके भेजा होगा, और या अपने शील की पवित्रता के लिए, और ये युद्ध की आकांक्षा और युद्ध की अग्नि उनके हृदय में जलती रहे, प्रतिशोध की अग्नि उनके हृदय में जलती रहे, उसके लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया होगा। इस सब के चलते हुए राजपूत समाज अपने इतिहास को लेकर के और अपनी महिलाओं के सम्मान को लेकर के निश्चित रूप से अत्यंत सेंसिटिव है। अगर कोई जाने अनजाने में टिप्पणी करे तो समाज का उद्वेलित होना, समाज का आक्रोशित होना वो स्वाभाविक भी है और एक जीवित समाज होने के नाते आवश्यक भी है। जो कुछ टिप्पणी की गई वो जानबूझ करके की गई या अनजाने में की गई, मैं गए बिना ये कहना चाहता हूँ कि उससे समाज आहत निश्चित रूप से हुआ है जी। लेकिन साथ ही साथ क्षत्रिय समाज ने हमेशा ही क्षमा वीरस्य भूषणम, जो सक्षम है उसे क्षमादान करना चाहिए जी। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण है कि उन विषयों को हमने, यदि क्षमा मांगी गई है तो हमने क्षमादान दिया है। अब इस अवसर पर भी राष्ट्र के व्यापक हित में
क्षत्रिय समाज क्षमा दान करेगा। और जैसा क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि हम दूरगामी लक्ष्य सोच के साथ में अपने फैसले करते हैं, तो देश के हित में कहीं भी हमारा ये विषय बाधा नहीं बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साहब, एक विशेष तबका हमेशा से भाजपा से अपने आप को अलग समझता है, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने उस विशेष तबके का आकर्षण बीजेपी पार्टी की तरफ अपनाया है। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर बात करें तो एक हज कमेटी और एयरपोर्ट का एक कुछ निर्णय है जो पिछले करीब 2014 से लंबित है, उसके लिए क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, एयरपोर्ट का निर्णय मुझे नहीं लगता कि कोई लंबित है जी, क्योंकि मेरे तो संज्ञान में नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट का विषय जोधपुर में पिछले 30 साल से अटका हुआ था, जिसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। जोधपुर में कैटाई 3 सिस्टम भी लग गया है, जोधपुर में एप्रिन भी पूरा एक्सटेंडर होकर के नया बन गया, टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है, 40% तक हुआ है, अगले 6 महीने में पूरा करना हो जाएगा। सब एक आखिरी सवाल बस ये है कि कई काम जोधपुर के निवासियों ने देखे हैं आपके नेतृत्व के अंदर, लेकिन फिर भी विपक्ष है जो दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आता। वो बार बार क्योंकि पिछले 5 साल हमने आपको लड़ते हुए हमने देखा है अशोक गहलोत जी से, और आज भी उनके द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि शेखावत जी ने खुद ने क्या करा उस, तो इस विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि जनता को भ्रमित कर रहा है? देखिए, जोधपुर में हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, जोधपुर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आया, जोधपुर में पैसेंजर एमिनिटीज़ रेलवे में उस पर काम हुआ, नए रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, भगत की कोठी बन चुका है, भगत की कोठी में सेकंड एंट्री बन चुका है, रेल, रोड, एयरपोर्ट तीनों कनेक्टिविटीज सुधर चुकी हैं, गरीबों के घर में जो परिवर्तन के यज्ञ माननीय मोदी जी का था उसका लाभ जोधपुर में भी हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दृष्टि सब्जेक्टिव होती है, तब वो क्या देखना चाहते हैं और कितना देखना चाहते हैं वो अपने अनुकूलता के हिसाब से देखते हैं। मुझे लगता है शायद ये दृष्टि दोष कांग्रेस में अभी पैदा हो गया है। भाई साहब, कल प्रचार थम जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से एक अपील आप क्या करना चाहेंगे अपने वोटर्स को? देखिए, मैं राजस्थान भर के आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस यज्ञ में अधिकतम मतदान करें, अपने परिवार सहित, अपने कुटुंब सहित, अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर के भारत निर्माण के इस यज्ञ में अपनी संविदा की आहुति को अर्पण करें। इसलिए जाहिर सी बात है, जैसा मोदी जी अपील कर रहे हैं वैसे गजेंद्र जी भी अपील कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति अपने घर से निकले और राष्ट्र के इस महान यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दे, ताकि राष्ट्र निर्माण में हम और ज़्यादा दिनों दिन नई उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।